सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे मैथ्स वन का आखिरी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में ये तो एक बस एक चैप्टर है, जब आप लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ोगे तब ये आपको एक सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। स्टैटिस्टिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत डीप में है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो प्रैक्टिस एट 7.1 करेंगे। The following table shows the number of buses and trucks in the nearest lakh units. ठीक है, एक टेबल दिया है, उसमें तीन चीज़ दी गई है, साल दिया है, उस साल में कितने ट्रक्स थे वो दिया है, और उन सालों में कितने बसेस थे उसके बारे में दिया है। लेकिन माइंड यू, ये जो 47 है ये सिर्फ 47 ट्रक नहीं है, दिस इज 47 लैक्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है, लैक यूनिट्स बोला गया आपको। वैसे 9 बसेस मतलब 9 लैक्स, 56 ट्रक्स मतलब 56 लैक्स, 13 बसेस मतलब 13 लैक्स। ओके, ड्रॉ अ परसेंटेज बार ग्राम डायग्राम। ठीक है, परसेंटेज आपको याद आ रहा है कुछ, आपने कुछ साल पहले ही ये स्कूल में सीखा था, बट फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे करेंगे। सो क्वेश्चन इतना ही है, ड्रॉ करने के पहले आपको कुछ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। क्या सॉल्व करना होता है? परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। सो आंसर लिखने का स्टूडेंट्स कैसे करने का ध्यान से देखना, जो आपको ईयर ऐसे दिया है वर्टिकली आपको वो लिखना है हॉरिजॉन्टली। ईयर पहला क्या है, 2005 2006, फिर 7 8 8 9 9 10। सो मैंने इसको ऐसे लिखना था, मैंने इसको ऐसा लिखा है क्योंकि ऐसे ही लिखना होता है इसमें, 2005 6 7 8 8 9 9 10। ठीक है, जो आपको ऐसा डेटा दिया गया था आपने उसको आंसर में ऐसा लिखा। फिर स्टूडेंट्स क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रक्स 47 56 60 63। सो आपको नंबर ऑफ ट्रक्स, अगेन ये चीज़ ऐसा क्वेश्चन में दी गई थी, आपको आंसर में ऐसे लिखने का, नंबर ऑफ ट्रक्स कितना है 47 56 60 63। वैसे ही नंबर ऑफ बसेस आपको ऐसा दिया है, इसमें आपको ऐसा लिखना होता है 9 13 16 18। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दो चीज़ दी गई है, एक है ट्रक्स एक है बसेस, सो दोनों का आपको टोटल निकालना होगा। सो टोटल कैसे निकालेंगे, 47 प्लस 9, बस और ट्रक और बस है ना, ट्रक्स एंड बस कितना है 47 और 9 56, ये दोनों को भी प्लस करेंगे, 56 और 13 होता है 69, ये दोनों को भी प्लस करो 60 और 16 होता है 76, ये दोनों को भी प्लस करो 63 और 18 होता है 81। समझ में आ गया, जो नंबर ऑफ ट्रक्स है और बसेस है उनको आपको प्लस करना है और टोटल लिखना है। अब स्टूडेंट्स आपको परसेंटेज निकालने तो आता ही है, जैसे कि अपन यहाँ पे दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, एक है ट्रक्स का और एक है बस का। परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। नंबर ऑफ ट्रक्स जो थे 47 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल कितना है 56, 47 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 56 आंसर आएगा 84। वैसे ही इसमें कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ट्रक्स कितना है 56 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय यहाँ पर टोटल कितना था 69। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 76, क्योंकि 76 आपको टोटल है। वैसे ही यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 81। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार आप जब डिवाइड करोगे, आप जब परसेंटेज निकालोगे तो आपको आंसर पॉइंट में आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ये 14 नंबर कहाँ से है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब 14.57 पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स अगर 5 या 5 से मतलब 50 5 जाने दो 50 ले लो 50 पॉइंट के बाद ये दो नंबर देखने का, अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो ये 14 क्या हो जाएगा 15। राउंड ऑफ करना होता है। ये क्यों राउंड ऑफ करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रक या बस जो भी होता है वो एक नंबर होगा ना, जैसे 47 56 60। कभी ऐसा सुना है ट्रक 14.57 है या आपका बस 14.68 है? कभी ट्रक्स और बसेस आधे आधे नहीं होते, पॉइंट में नहीं होते, ये तो 45 होगा ये तो 46 होगा, ये तो 47 होगा ये तो 48 होगा, पॉइंट में नहीं होता, इसलिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। सो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद दो नंबर देखने का, अगर ये 50 से बड़ा है तो ये 14 का एक नंबर बढ़ा दो 15 हो जाएगा, राउंड ऑफ। वैसे यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल 14.49, ये 49 जो है ये 50 से छोटा है, अगर 50 से छोटा है तो ये 14 ही रहेगा। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देता हूँ 10.36,
पॉइंट के बाद ये दो नंबर देखो, 50 से छोटा है, 36 50 से छोटा होता है, सो 10 को 10 ही लिखेंगे। अगर वही 10.72 है, पॉइंट के बाद दो नंबर देखो, 50 से बड़ा है, सो 10 को क्या कर देंगे हम 11। समझ में आ गया? सो यहाँ पे जो भी आप परसेंटेज निकालोगे ना वो को पॉइंट में आएंगे। आपको राउंड ऑफ करना समझ में आ गया कैसे करने का? अगर 0.50 से बड़ा है यानी 0.50 से बड़ा है तो एक नंबर बढ़ा देने का, अगला नंबर ले लेने का, 10 है तो 11, 15 है तो 16। और अगर 0.50 से छोटा है, 50 से छोटा है, सो 10 को 10 ही लिखेंगे, 9 है तो 9 ही लिखेंगे, 8 है तो 8 ही लिखेंगे। ठीक है, सो परसेंटेज निकालना आपको आ गया। जैसे आपने यहाँ पे ट्रक के लिए निकाला है स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको बस के लिए भी निकालना है, परसेंटेज ऑफ बसेस। टीचर ने आपको अलग तरीके से बताया होगा, बट चीज़ यहाँ पे एक ही है, ज़्यादा घुमाने फिरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे बस के लिए? 9, बस यहाँ पे आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल 56, सॉल्व करेंगे 16 आएगा। वैसे ही 13 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 69, 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 76, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 81। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो जब ट्रक निकालने का था परसेंटेज ट्रक का, सो ट्रक का नंबर लेने का मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। अगर बस का निकालना है तो बस का नंबर ले लो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल, नीचे तो टोटल ही आएगा, बस ऊपर का नंबर बदलेगा। ट्रक है तो ट्रक ले लो, बस है तो बस ले लो। समझ में आ गया? अब ये दो हमने परसेंटेज निकालना है, इससे हम बार ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाने का ध्यान देना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, या इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? और हमेशा स्केल लिखने का स्टूडेंट्स, अगर आप स्केल नहीं लिखोगे ना तो टीचर इज बाउंड टू कट योर मार्क्स। स्केल ऑन वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम क्या ले रहे हैं? परसेंटेज। एक सेंटीमीटर आपका कितना होगा? 10% का। हमेशा जब भी परसेंट निकालते हो, एक सेंटीमीटर हमेशा 10% होगा। यहाँ पे हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, ट्रक और बस की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ऑफ व्हीकल्स। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सब 10-10 का गैप है क्योंकि 10 लिया है। ये क्या है आपका? परसेंटेज। और नीचे क्या आएगा? ये साल, ईयर्स, ये जो ईयर्स है ना वो यहाँ पे आएगा, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010। आर वी क्लियर? ओके। एंड स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे दो व्हीकल्स हैं, सो ट्रक को मैं कुछ ऐसा इशारा दे रहा हूँ, ऐसा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे इरेजर नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ट्रक को ऐसा किया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो ट्रक है। और ये खाली बॉक्स है, मतलब क्या है? वो बस है। समझ में क्या? और स्टूडेंट्स क्योंकि आप परसेंटेज बार ग्राफ बना रहे हो, परसेंटेज हमेशा कितने पे होगा? 100। तो ये जो 2005, 2007, 2008, 2009 जो भी साल है, ये चारों किस पे आएगा? 100 पे। क्यों? आपका 100 हमेशा परसेंटेज बार ग्राफ होता है। नाउ पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रक है ना, ट्रक आपको क्वेश्चन में पहले ट्रक दिया था ना, सो ट्रक कैसे दिखा रहा हूँ मैं? ऐसा। अब मेरे को बताओ जो 2005 और 6 है उसमें ट्रक कितना आया था? 84%। तो 2005 और 6 में क्या करोगे? 84%, मतलब 80 और 90 के बीच में 84 यहाँ पे आप मार्क करोगे और ये ट्रक दिखाओगे। जो बच गया वो आपका ऑटोमेटिकली बस आ जाएगा। बस को आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 में से जब ट्रक निकल जाएगा तो बचा हुआ क्या होगा? आपका बसेस। तो बस को अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बन जाता है। वैसे ही ट्रक 2007 और 2008 में कितना था? 81। सो 2007 और 2008 में कितना दिखाऊंगा मैं? 80 से थोड़ा ऊपर 81। ये आपका ट्रक है, इतना ड्रॉ करने का, ऐसा लाइन मार देने का 81 पे और ड्रॉ करने का, जो बच गया वो बसेस है। वैसे ही 79% है। 79 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स? 80 से एक नंबर नीचे, इस पे लाइन मारने का और ट्रक करके दिखा देने का, जो बच गया वो बस है। वैसे ही 78%, 78 कहाँ पे आएगा? 80 से दो कदम नीचे, 70 और 80 के बीच में, 80 से दो कदम नीचे 78%। यहाँ पे लाइन खींचो और ऐसा ट्रक ड्रॉ कर दो, ट्रक का जो सिंबल है, ओके, जो बच गया वो बस है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ईजी है, अच्छे से करना, आपकी टीचर आपको शायद बायोग्राफ पे करने देगी, मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा तो आप नोटबुक भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 था।
ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर टू भी करना है, ठीक है, वो भी लगभग वैसे ही है, कर लेना, एग्जाम में आता है ये सब, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस वेल, और कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना।